नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। अब तक हमने वैदिक पूजन करवाना सीखने के क्रम में चतुष्षष्ठी योगिनी माता तक का पूजन क्रम जाना था। इस वीडियो में हम सूर्यादि नवग्रहों की पूजन विधि, प्राण प्रतिष्ठा विधि तथा आवाहन विधि जानेंगे। साथ ही पंचलोकपाल, दस दिक्पाल, अधिदेवता, प्रत्यय देवताओं का भी पूजन विधि, आवाहन विधि जानेंगे। आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा आल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आरंभ करते हैं सूर्यादि नवग्रहों की पूजा तथा आवाहन विधि। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सूर्यादि नवग्रहों का इस प्रकार से ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, ध्याये ध्यानं समर्पयामि। अक्षत और पुष्प नवग्रह की वेदियों पर छोड़ दें और पुनः सूर्यादि नवग्रहों का आवाहन करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव का आवाहन करना है। अगर आप सभी सूर्यादि नवग्रहों के वैदिक मंत्रों को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सूर्यादि नवग्रहों के वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही आपको 10 दिक्पाल देवताओं के वैदिक मंत्रों का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं सूर्यादि नवग्रहों, 10 दिक्पाल, अधिदेवता, प्रत्यय देवताओं का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। श्री सूर्य आवाहयामि स्थापयामि। ओम सूर्याय नमः बोल करके श्री सूर्य मावाहयामि स्थापयामि बोलते हुए वेदी पर, नवग्रह की वेदी पर अक्षत पुष्प छोड़ें। श्री सूर्य ओम सूर्याय नमः। सूर्य मावाहयामि स्थापयामि। इसी प्रकार से चंद्र का भी आवाहन करना है। ओम सोम सोमाय नमः। सोम मावाहयामि स्थापयामि। ओम भौमाय नमः। भौम मावाहयामि स्थापयामि। ओम बुधाय नमः। बुध मावाहयामि स्थापयामि। ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पति मावाहयामि स्थापयामि। ओम शुक्राय नमः। शुक्र मावाहयामि स्थापयामि। ओम शनैश्चराय नमः। शनैश्चर मावाहयामि स्थापयामि। ओम राहवे नमः। राहु मावाहयामि स्थापयामि। ओम केतवे नमः। केतु मावाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से नवग्रहों का आवाहन स्थापन कर देने के बाद अब अधिदेवताओं का आवाहन स्थापन करना है। ओम ईश्वराय नमः। ईश्वर मावाहयामि स्थापयामि। ओम उमायै नमः। उमा मावाहयामि स्थापयामि। ओम स्कंदाय नमः। स्कंदमावाहयामि स्थापयामि। ओम विष्णवे नमः। विष्णुमावाहयामि स्थापयामि। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माण्डमावाहयामि स्थापयामि। ओम इंद्राय नमः। इंद्रमावाहयामि स्थापयामि। ओम यमाय नमः। यममावाहयामि स्थापयामि। ओम कालाय नमः। कालमावाहयामि स्थापयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्तमावाहयामि स्थापयामि। अब अधिदेवताओं के बाद अब प्रत्यय देवताओं का आवाहन करना है। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि। ओम अद्भ्यो नमः। अद्भ्यमावाहयामि स्थापयामि। पृथिव्यै नमः। पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि। विष्णवे नमः। विष्णुमावाहयामि स्थापयामि। इन्द्राय नमः। इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि। इन्द्राण्यै नमः। इन्द्राणीमावाहयामि स्थापयामि। प्रजापतये नमः। प्रजापतिमावाहयामि स्थापयामि। सर्पेभ्यो नमः। सर्पानावाहयामि स्थापयामि। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माण्डमावाहयामि स्थापयामि। अब पंचलोकपाल देवताओं का आवाहन करना है। इसी प्रकार से नमः
बोल करके आगे आवाहयाम स्थापयाम बोलते हुए नवग्रह की वेदी पर अक्षत पुष्प छोड़ते रहना है। ओम गणपतये नमः गणपतिमावाहयाम स्थापयामि। ओम दुर्गायै नमः दुर्गमावाहयाम स्थापयामि। ओम वायवे नमः वायुमावाहयाम स्थापयामि। ओम आकाशाय नमः आकाशमावाहयाम स्थापयामि। ओम अश्विभ्याम नमः अश्विनौ आवाहयाम स्थापयामि। ओम वास्तोस्पतये नमः वास्तोस्पतिमावाहयाम स्थापयामि। ओम क्षेत्राधिपतये नमः क्षेत्राधिपतिमावाहयाम स्थापयामि। अब पंचलोकपाल देवताओं का आवाहन कर लेने के बाद 10 दिग्पाल देवताओं का आवाहन स्थापन करें। ओम इंद्राय नमः इंद्रमावाहयाम स्थापयामि। ओम अग्नये नमः अग्निमावाहयाम स्थापयामि। ओम वायवे नमः ओम यमाय नमः यममावाहयाम स्थापयामि। ओम निरृतये नमः निरृतिमावाहयाम स्थापयामि। ओम वरुणाय नमः वरुणमावाहयाम स्थापयामि। ओम सोमाय नमः सोममावाहयाम स्थापयामि। ओम ईशानाय नमः ईशानमावाहयाम स्थापयामि। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयाम स्थापयामि। ओम अनंताय नमः अनंतमावाहयाम स्थापयामि। इस प्रकार से सभी अधिदेवता प्रत्यधिदेवता पंचलोकपाल देवता 10 दिग्पाल देवता तथा नवग्रह देवताओं का आवाहन कर लेने के बाद स्थापन कर लेने के बाद अब पूजन करें। सर्वप्रथम नवग्रह की वेदी पर 4 बार जल छोड़ें। आदयोः पाद्यं हस्त्योर अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। जल समर्पित कर देने के पश्चात अब मौली का टुकड़ा वस्त्र तथा उपवस्त्र के रूप में समर्पित करें और यह मंत्र बोलें। ओम युवा सुवासा परिवीतयागास्सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्र उपवस्त्र समर्पित कर देने के बाद आचमन के उद्देश्य से जल छोड़ दें। पुनः एक यज्ञोपवीत नवग्रह की वेदी पर समर्पित करें या नवग्रह की वेदी पर जो कलश लगा हो उस कलश पर यज्ञोपवीत चढ़ावें। यज्ञोपवीत चढ़ा देने के पश्चात पुनः आचमन करवा दें और अब नवग्रह की वेदी पर तथा नवग्रह के ऊपर रखे कलश पर भी चंदन लगाएं। दोनों जगह चंदन लगाएं। चंदन लगा देने के पश्चात अक्षत लगाएं, अक्षत समर्पित करें तथा पुष्पमाला नवग्रह की वेदी पर समर्पित करें तथा नवग्रह पर रखे हुए कलश पर भी पुष्पमाला समर्पित करें। पुष्पमाला समर्पित कर देने के पश्चात दूर्वा नवग्रह पर समर्पित करें। दूर्वा के पश्चात अगर आपके पास शमीपत्र है तो शमीपत्र भी समर्पित करें, विशेष रूप से शनि भगवान के स्थान को। तत्पश्चात अब अबीर गुलाल नवग्रह पर समर्पित करें। इसके पश्चात इत्र सुगंधित द्रव्य आदि समर्पित करें और पुनः अब धूप दीप दिखावें। धूप दीप दिखाने के पश्चात अपने हाथ धुल लें तथा नैवेद्य मीठा फल आदि समर्पित करें। इसके पश्चात आचमन करवा दें और तत्पश्चात तांबूल पान सुपारी लौंग इलायची तांबूल समर्पित करें और पुनः अब दक्षिणा नवग्रह भगवान को समर्पित करें और अब हाथ जोड़ करके नवग्रह भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करें। सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रः सुखं संशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलास्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला गृहाः सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। प्रार्थना कर लेने के बाद अक्षत पुष्प नवग्रह की वेदी पर छोड़ दें और पुनः अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के किए हुए पूजन को नवग्रह देवताओं को समर्पित करें। इस प्रकार से बोलते हुए अनेन कृतेन पूजनेन भो नवग्रह देवताभ्यो प्रियंतान्नमम। पूजन समर्पण कर देने के बाद प्रकार से यह
इस प्रकार से यह भगवान नवग्रह देवता का पूजन क्रम रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।